सरदार अब्बास खान लशारी साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं और दबंग और दलेर हैं और हमेशा इन्होंने कलमा हक कहा है और आपने देखते हैं कि कितनी हमारी दोस्ती पुख्ता है और आपने कहा कि लोग आते हैं इधर सियासत की फसल, आपने देखा हम सिर्फ उस जज्बे से आए हैं कि जो हमारे लोग दुख में है, मजलूम में है, मुसीबत है, उनसे इजारे यकजहती और यही मुझे जाएं आप, मैं कहा हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह और इसीलिए आए हैं और आपने फकीरी कमाई है, हमने भी कलंदरी कमाई है किसी शख्स से सवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। तो मैं इंशाल्लाह आता रहूंगा, ये हमारा पहली मर्तबा इधर आए हैं लेकिन सरदार साहब आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं और आपके दुख दर्द में और मजीद इज्जत और एहतराम दें। नूर हुसैन वाल्द गुलाम हुसैन, रहीम बाश वाल्द मोहम्मद रमजान, मुनीर हुसैन वाल्द गुलाम हसन, मुनीर हुसैन वाल्द गुलाम हसन, मोहम्मद सलीम वाल्द इलाही बख्श, मोहम्मद सिजाद वाल्द गुलाम यासीन, आशिक हुसैन वाल्द अल्लाह वसाया, रामलाल रामलाल अपनी बारी नाल, गुलाम यासीन वाल्द मुस्लिम, चलो इसको दे दे। बस याद कीजिए जिस रैकी वाले इन्होंने जो मिल के मुझ में मुल्तान मुल्तान मेरे तीन ही अटैक बेसिक पे सुने के खिलाफ क्यों जी जन शक्ति जो है हमारी ये डिसीजन है ये हमने और पानी मीठा मीठा पानी आता है साफ जरूर और बड़ा खुला पानी था जी बाल का होता है ना ऊपर सरफेस को भारी पानी होता है पानी की लेकिन मेट था वो आप जो बात कर रहे हैं वो नहीं जल्दी आओ सारे के गावे बहने आगे से साइड 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 पे से सर एक मिनट दे सामने कैमरे में दे जी फोटो भी ले रहा हूँ सर साथ साथ क्या
थोड़ा देर हो जाओ बेटा आगे जाओ सारे मिल रहे बेटा आगे जा सिर्फ अपनी जमात अपने एमपीए अपने बंदों को करें, एक हमारा बंदा भी शामिल नहीं किया किसी और पार्टी का। हालांकि फ्लड में सब मुतासिर थे, सारी कौम मुतासिर है। हम फ्लड में सियासत नहीं करना चाहते, जुल्म और ज्यादती हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इनको परवाह नहीं है, इनको एहसास नहीं है, इनको दुख दर्द नहीं है। चाहे फ्लड के मुतासरीन हों, कोई परवाह नहीं। वहाँ फ्रांस में जब फ्लड आया तो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जाली कैंपों का दौरा कर रहे थे। मियां वाली में जाली कैंप देखा उन्होंने, डेरा इस्माइल खान में जाली कैंप देखा, और फिर शिकार में भी जाली कैंप देखा, और कोर्ट में इधर भी जाली कैंप देखा। और आप देखेंगे उधर सियासत भी चमकाई, अपने इलेक्शन भी उन्होंने किया। लोग डूब रहे हैं और वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। और आप देख लें, चाहे फ्लड के मुतासरीन हो, चाहे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस हो जो पाकिस्तान की बेटी हैं, और अब कल उन्होंने कहा जरदारी साहब ने अमरीकियों को अखबार में आया कि जी अगर अमरीकी बमबारी से लोग मरते हैं पाकिस्तान के वजीरस्तान में तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये है उनका, पाकिस्तानी अवाम से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक सिर्फ है माल बनाने से। हम आए हैं आपको हिम्मत हौसला देखने, आप कौम में करंट है। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, ये लोग सियासी तौर पर नफ्सियाती तौर पर हुक्मरान जो हमारे इस्लामाबाद के हैं ये कैदी हैं, ये फाइव स्टार जेलों में रह रहे हैं। हमारे सदर नहीं है, वो हमारे वजीर आजम नहीं है, खौफजदा हैं। ये हर एक से डरते हैं, अपने आवाम से डरते हैं, अपने जेलों से डरते हैं, आपसे डरते हैं, मीडिया वालों से डरते हैं, जजेस से डरते हैं, अमरीकनों से डरते हैं। सिर्फ एक टेलीफोन कॉल आता है तो ये बिल्कुल चाकबा कर बह जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि इनके जान नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि सबको साथ लेके चलें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दौर आपने देख लिया, अभी कौन थे ख्वाजा सलीम साहब, ऐवान ताजरान के ख्वाजा सलीम साहब किधर बैठे हैं? ख्वाजा साहब आपने देख लिया मईशत का दौर, इधर आए ना ज़रा। हमारा दौर भी था और ये दौर भी था, क्या फ़र्क है? मीडिया आज़ाद हमारे दौर की पैदावार है, ये कैमरा हमारे दौर की पैदावार है। हमने आज़ाद मीडिया की बुनियाद रखी। ख्वाजा साहब देखे हमारे ताजरान के, मईशत थी उस ज़माने में,
لوٹ مار نہیں تھی, لوگوں کا کاروبار چل رہا تھا, لوگوں کے کام ہو رہے تھے, لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. ڈھائی سال میں مجھے بتایا کیا ڈیولپمنٹ کی انہوں نے. حقیقت جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصول سے. جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے, اور ہر انسان کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آنکھ دیا ہے, دماغ دیا ہے اور دل دیا ہے. تو ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پی پی کے لوگ یا نون لیگ کے لوگ یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں اور اپنے یعنی ووٹ پکے کر رہے ہیں. کوئی غریبوں سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں, کسی کو کوئی ہمدردی نہیں. جو لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا, جو لوگ جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا. ہم صرف اخباروں میں پڑھتے رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے, آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ رضا صاحب دادا سے لے کر جام پور سے لے کر یعنی محمد پور, فاضل پور, راجن پور, حتیٰ کہ جہاں آگ لگی تھی دیہات میں وہاں تک بھی پہنچے. تو یہ جو تھا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ رضا صاحب کو جاتا ہے اور ان کی پارٹی اور ان کی لیڈرشپ کو جاتا ہے. تو ہم نے یہ بروانی کی. وہ آتے ہیں وہ وطن کارڈ لے کے 20,000 کی بات کرتے ہیں, پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کس پارٹی سے تعلق ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کی پارٹی کا نہیں ہے. کہ نہ دو اس کو کچھ, یہ ہے یہ تقسیم کرتے ہیں عوام کو, تقسیم کرتے ہیں انسانیت کو, تقسیم کرتے ہیں بندوں کو, تقسیم کرتے ہیں بچوں کو, تقسیم کرتے ہیں خواتین اور مرد کو. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا. بالکل. اور پھر اس کے اوپر رشوت بھی مانگتے ہیں. عوام کا نہ باہر کے لوگوں کا. ان شاء اللہ تبدیلی آ چکی ہے لوگوں کے ذہن میں, تبدیلی آئے گی. اور ہم تو سمجھتے ہیں تبدیلی جمہوری ہونی چاہیے, آئینی ہونی چاہیے, سیاسی ہونی چاہیے. اور تبدیلی کا ہراول دستہ انشاءاللہ آپ کی جماعت پاکستان مسلم لیگ ہوگی. تبدیلی آئے گی رضا کی قیادت میں, حسن کی قیادت میں. یہ آج تو صرف دورہ تھا چھٹی بھی ہونی ہے.